ધોરણ 12 નામાના મૂળ તત્વો 110 आईएमपी एमसीक्यू આપણે જોવાના છે। પ્રથમ પરીક્ષા 2023 એટલે કે ઓક્ટોબરમાં જે પરીક્ષા લેવાની છે એના માટેનો ખૂબ જ અગત્યનો વિડિયો છે। આટલા તમે એમસીક્યુ કરશો તો એમાંથી 12 એક પણ એમસીક્યુ તમને આ પરીક્ષામાં જોવા નહીં મળે। એટલે કે પ્રથમ પરીક્ષાની અંદર તમને એક પણ 12 નો એમસીક્યુ નહીં આવે। ઇવન બોર્ડની પરીક્ષા લેવાશે એમાં પણ આમાંથી પૂછાશે। જોઈએ શરૂઆત કરીએ આપણે એમસીક્યુ કયા કયા છે। एक भागीदारी कश्वड़ी ये तारीख 30/11/2019 रोज 12,000 उपाड़ कर्यो। उपाड़ पर वार्षिक 12% लेखे व्याज वसूल करवानुं होय। उपाड़ पर व्याज शोधवानुं छे। जवाब आवशे 480। दाखलो गणी लेजो। भागीदारना चालू खातानी जमा बाकीनुं व्याज पेढी माटे शुं कराय तो जवाब आवशे खर्च। कंपनी नियम 2014 मुजब नियम 10 प्रमाणे सरकारे भागीदारोनी महत्तम संख्या केटली नक्की करेली छे। जवाब आवशे 50। जो भागीदारी करारपत्र में स्पष्टता न होय तो पेढी ने भागीदारे धीरेली लोन पर केटला टका व्याज गणाय। लोन पर 6% व्याज। भागीदारोनी मूडी पर नु व्याज ए भागीदार माटे शुं गणाय। आवक। कई पद्धति में मूडीनी रकम बदलाती होवाथी मूडीनुं व्याज दर वर्षे बदलातुं रहे छे। अस्थिर मूडी खातानी पद्धति। हंगामी मूडी प्रथा में भागीदारना भागनो नफो कया खाते कई बाजू लगाई तो मूडी खातानी जमा बाजू। जो स्थिर मूडी खातानी पद्धति होय तो उपाड़ खातुं बंद करी क्यां लई जवामां आवे चालू खातामां लई जवामां आवे। भागीदारना चालू खातानी उधार बाकीनुं व्याज पेढी माटे शुं गणाय तो आवक। भागीदारना उपाड़ परनुं व्याज ए भागीदार माटे शुं गणाय उपाड़ परनुं व्याज ए खर्च गणाय। जो भागीदारी करारपत्र में उल्लेख होय तो मूडी पर जोगवाई न करवामां आवेल तो केटला टका व्याज गणाय मूडी पर व्याज केटला टका गणाय तो मूडी पर कोई ज व्याज गणाय नहीं जो जोगवाई नहीं होय तो। नफा नुकसान फाळवणी खातानी उधार बाकी एटले कई वेचनी पात्र खोद नफा नुकसान फाळवणी में। जशोदा राजकुमार अने समा सरखा हिस्साना भागीदारो छे। तेमनी कुल मूडी 6 लाख है। मूडीनुं प्रमाण आपेलुं छे। मूडी पर 6% लेखे व्याज वसूल करवानुं छे। शर्मानी मूडी पर केटलुं टका व्याज आवे तो पहला तो शर्मानी मूडी शोधवी पड़े अने शर्मानी मूडी मळी जाय अने पछी एना पर व्याज गणीए तो 18,000 व्याज आवशे। त्यार पछी आगळ ए बी अने सी नी मूडीनुं प्रमाण 3:2:1 होय। वेंचणी पात्रनो नफो 66,000 होय तो सी ने केटलो नफो मळे तो जवाब आवशे 22,000। बधाने सरखो सरखो मळे पेलुं मूडीनुं प्रमाण छे। मेनेजरने तेनुं कमिशन बाद वधता नफाना 5% लेखे 2,980 कमिशन मळेल होय तो वेंचणी पात्र नफो केटलो थाय जवाब आवशे 59,600। सरदार राष्ट्रीय अने रावलनी मूडीनुं प्रमाण 2:1:4 होय अने सरदारने 15,000 नफो मळे तो पेढीनो वेचणी पात्र नफो शोधो जवाब आवशे 45,000। वेपार खातानी जमा बाकी एटले कई बाकी तो काचो नफो। भागीदारी करारपत्र में जोगवाई न होय तो भागीदारों वच्चे नफो के नुकसान कया प्रमाणे जोगवाई नहीं होय तो नफो नुकसान सरखा प्रमाण में वेचाय। भारत में भागीदारी कायदो कया वर्षथी अमल में आव्यो तो 1932। धंधा ने आर्थिक परिस्थिति खाली जगह रजू करे छे पाकू सरवैयू। 20 प्रश्नों थया परंतु आ प्रश्नों खूब ज अगत्यना छे। विडियो थोड़ो लांबो थाय तो वांधो नहीं परंतु जोई लेजो कारण के आटला तमे एमसीक्यू करशो तो आनाथी 12 नो एक पण एमसीक्यू तमने आ परीक्षा में जोवा मळशे नहीं। सामान्य रीते चालू खातानी कई बाकी होय तो चालू खातानी तो उधार अने जमा बंने बाकी होई शके। नफा नुकसान फाळवणी खातानी उधार बाजू कई विगत दर्शावाई छे तो सामान्य अनामत खाते लई जवानी रकम। नफा नुकसान खातानी जमा बाकी काचा सरवैयामां आपेल होय तो क्या दर्शावाशे नफा नुकसान फाळवणी खाते। बैंक ऑफ ड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्टनी कई बाकी होय तो बैंक ओवरड्राफ्टनी तो जमा ज बाकी होय ने। माल परत जमा एटले शुं माल परत जमा एटले वेचाण परत। माल परत उधार एटले शुं तो उधार एटले खरीद माल परत। पाघडीनो आधार कोना पर रहेलो छे धंधाकीय एकमना भविष्यमा जरवाई रहेल तेवा नफा पर। त्यार पछी आगळ पाघड़ी ए खाली जग्यानु नाणाकीय मूल्य छे। धंधाकीय एकमनी प्रतिष्ठा जे व्यक्तिगत कौशल्य महत्वनुं होय त्यां पाघड़ी केवी होय तो ओछी। ज्यारे पेढीमां दर वर्षे नफो वधतो होय त्यारे कई पद्धति मुजब पाघड़ी माटे नफानी गणतरी करवी वधु हितावह छे। भारित सरेराश अपेक्षित नफानो सूत्र आ चारमांथी कोई एक आपणे जोयेला ए प्रमाणे रोकायेली मूडी गुणिया अपेक्षित वर्तननो दर। अधिक नफानो सूत्र तो सरेराश नफो माइनस अपेक्षित नफो एटले सी आपणो जवाब आवशे। पाघड़ी ए कया प्रकारनी मिलकत छे तो पाघड़ी ए अदृश्य मिलकत छे। भागीदारी पेढीनुं पुनर्गठन थाय अत्यारे देवानी किंमतमां घटाडो थाय तो तेनी असर क्यां आवे। देवानी किंमतमां घटाडो थाय तो जे ते देवामांथी बाद करवानुं अने पुनः मूल्यांकन खाते जमा। त्यार पछी आगळ जोईए भागीदारी पेढीना पुनर्गठनमां त्यागनुं सूत्र कयुं आवे तो त्याग एटले शुं जूनो भाग माइनस नवो भाग एवुं आपणने खबर छे। तो ए विकल्प सी जूनो भाग माइनस नवो भाग। भागीदारी पेढीना पुनर्गठन वखते पाका श्रेयमां दर्शावेल कारीगर नफा भाग भंडोळ क्यां दर्शावाय। कारीगर नफा भाग भंडोळ ए देवू छे एटले मूडी देवा बाजू पर दर्शाववू पड़े। भागीदारी पेढीनुं पुनर्गठन थाय त्यारे मिलकतोनी किंमतमां वधारो थाय तो तेनी असर क्यां थाय। मिलकतनी किंमतमां वधे तो मिलकतमां उमेराय अने पुनः मूल्यांकन खाते जमा कराय। पुनः मूल्यांकन खाताने बीजा कया खाता तरीके ओळखावे तो नफा नुकसान हवाला खातुं। पुनः मूल्यांकन खातानो नफो के नुकसान कया प्रमाण में भागीदारों वच्चे वेचवामां आवे। नफो के नुकसान जूना नफा नुकसान प्रमाण में वेचवामां आवे। भागीदारी पेढीना पुनर्गठन वखते पाका श्रेयमां दर्शावेल एकत्रित नफो क्यां दर्शाववामां आवे छे तो भागीदारोना मूडी खातानी जमा बाजू पर। मूडी खातानुं जे तेनी जमा बाजू पर वेचवामां आवे। भागीदारी पेढीना पुनर्गठनमां लाभनुं प्रमाण एटले शुं। लाभ एटले आपणे बधाने खबर नवो भाग माइनस जूनो भाग। तो नवो माइनस जूनो क्यां छे जोई लईए आपणे। नवो भाग माइनस जूनो भाग एटले ई। भागीदारी पेढीना पुनर्गठन वखते रोकाणो पुनः मूल्यांकन बादना पाका श्रेयमां दर्शावाय कई किंमते दर्शावाय तो बजार किंमते दर्शावाय। भागीदारी पेढीना पुनर्गठन वखते रोकाणो खाली जग्या पुनः मूल्यांकन बादना पाका श्रेयमां दर्शाववामां आवे छे तो आ जवाब पण ए ज आवशे एटले के बजार किंमत। त्यार पछी आगळ भागीदारी पेढीनो पुनर्गठन थाय त्यारे खाली जग्या बनाववामां आवे। पुनर्गठन थाय त्यारे पुनः मूल्यांकन खातुं बनाववामां आवे। पुनः मूल्यांकन खातानो नफो के खोट खाली जग्या खाते लई जवामां आवे छे तो जूना भागीदारो खाते जूना प्रमाणमां लई जवामां आवे એટલે डी। ભાગીદારના પ્રવેશ વખતે સામાન્ય અનામત અને નફા નુકસાન ખાતાની जमा बाकी खाली जगह लई जाए तो क्या लई जाए जूना भागीदारों मूडी खाते लई जाए। भागीदार प्रवेश वखते पेढीना पाका श्रेयमां दर्शावेल पाघड़ी नोंध खाली जगह थाय छे। क्या थाय पाघड़ी नोंध तो जूना भागीदारों मूडी खाते नफा नुकसान प्रमाण में उधार अने पाघड़ी खाते जमा। नवा भागीदारे लावेल पाघड़ीनुं प्रीमियम खाली जगह बाजू लई जावामां आवे छे तो जूना भागीदारों मूडी खाते तेमना त्यागना प्रमाण में जमा। पुनः मूल्यांकन खातुं ए खाली जग्या प्रकारनुं खातुं छे। उपज खर्च प्रकारनुं खातुं। नवो भागीदार तेना भागनी पाघड़ीनी रकम रोकड़मां लावे त्यारे खाली जग्या खातुं जमा करवामां आवे पाघड़ीनुं प्रीमियम। हिसाबी धोरण 26 मुजब पाघड़ी चोपड़ी दर्शावी शकाय नहीं। स्वमूल्यांकन द्वारा आंकरवामां आवेली पाघड़ी होय ए लखी शकाय नहीं। पुनः मूल्यांकन खाता ने खाली जग्या तरीके पर रखवामां आवशे। नफा नुकसान हवाला खातुं ज्यारे फक्त नफा नुकसाननुं जूनुं प्रमाण ज आपेल होय त्यारे जूना भागीदारोनुं त्यागनुं प्रमाण एटले जूनुं प्रमाण। जूना भागीदारे पण तेना भागनी पाघड़ी खाली जग्या संजोगोमां अन्य जूना भागीदारने आपवी पड़े। कया संजोगोमां तो नवा नफा नुकसानना प्रमाणमां तेनो भाग जूना भाग करता वधारे होय त्यारे। हिसाबी वर्ष पूरु थाय त्यारे भागीदारनुं मृत्यु थाय तेनो भाग 1/3 छे। 12,000 नफो छे 24,000 नफा भाग बंदो મળવાપત્ર હોય તો મૃત્યુ વખતે ખાલી જગ્યા નફાના ભાગ તરીકે મળશે કેટલા મળશે તો 2000 રૂપિયા આગળ નિવૃત્ત થતા ભાગીદારને ચૂકવવાની બાકી રકમ પર ભાગીદારી કરારમાં ઉલ્લેખ ન હોય તો કેટલા ટકા વ્યાજ મળે તો 6% વ્યાજ મળે ભાગીદાર નિવૃત્ત કે મૃત્યુ વખતે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની કોટ ખાલી જગ્યા ખાતે અને ખાલી જગ્યા પ્રમાણમાં મૂડી ખાતાની ખાલી બાજુ જગ્યા પર નોંધાય તો નવા બધા જ ભાગીદારોના જૂના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં ઉધાર બાજુ લખાય નિવૃત્ત ભાગીદાર સિવાયના ભાગીદારોમાંથી કોઈ એક ભાગીદારને પણ પાઘડી ખાલી જગ્યા ત્યારે મળે જ્યારે નવા નફા નુકસાનમાં તેનો ભાગ જૂના ભાગ કરતાં ઓછો હોય જ્યારે ફક્ત નફા નુકસાનનું જૂનું પ્રમાણ જ આપેલું હોય ત્યારે બાકીના ભાગીદારોનું લાભનું પ્રમાણ એટલે કયું પ્રમાણ જૂનું પ્રમાણ નિવૃત્ત ભાગીદારને આપવાની પાઘડી ખાલી જગ્યા તરીકે નોંધાય બધા ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ તેમના લાભના પ્રમાણ પ્રવેશ હોય તો ત્યાગ આવશે ભાગીદારની નિવૃત્તિ વખતે પેઢીના પાકાશ્રયમાં દર્શાવેલ પાઘડી ખાલી જગ્યા નોંધાય છે બધા જ ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ જૂના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં ભાગીદારની નિવૃત્તિ વખતે પાકાશ્રયમાં દર્શાવેલ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકી ખાલી જગ્યા નોંધાય નિવૃત્ત થતા ભાગીદાર સહિત બધા ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ જૂના નફા નુકસાનના પ્રમાણ 62 જેટલા સવાલો થયા ઘણા બધા સવાલો છે 110 આપણે વિકલ્પો લીધેલા છે અને આ 110 વિકલ્પમાંથી એક પણ સવાલ બહારનો ન પૂછાય હવે વધારે વિડીયો લાંબો ન કરતા હું ફક્ત વિડીયોને સ્ક્રોલ કરીશ એટલે તમારે એ પીડીએફને સ્ક્રીનશોટ લેવાને અથવા વાંચવાનું છે પોસ્ટ કરીને તમે આ પણ જોઈ શકો 66 છે સંપાદન એ કયા પ્રકારનું ખાતું છે સંપાદન એટલે ઉપજ ખર્ચ પ્રકારનું ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન કેટલી રીતે થાય એટલે બે રીતે એવા ઘણા બધા સવાલો આપણે લીધેલા છે ટોટલ અહીંયા આપણે 110 જેટલા સવાલો લીધેલા છે ભાગીદારી પેઢીમાં ભાગીદારની ભાગીદારી કેવી હોય જવાબદારી કેવી હોય અમર્યાદિત હોય બીજા ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ છે તમે સ્ક્રીનશોટ લેતા રહેજો અથવા વિડીયો તમે પોસ્ટ કરીને વાંચતા રહેજો જેથી આપણો સમય પણ ઓછો જાય અને તમને વધારે સારી રીતે આ સમજમાં આવે એટલે બધા જ પોઈન્ટ આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યના છે ટોટલ 110 જેટલા વિકલ્પો આપણે લીધેલા છે અને 110 વિકલ્પની બહારનો એક પણ વિકલ્પ તમને પરીક્ષામાં જોવા મળશે નહીં એટલે આટલા વિકલ્પો જો તમે કરી લો તો તમને પહેલી પરીક્ષા તો છોડો વાર્ષિક પરીક્ષામાં પણ કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી થશે नहीं नेक्स्ट टाइम जैसे आप मळीशुं त्यारे एक वाक्य में जवाब आपो एना विशेना जे एक वाक्यवाळा है एना विषे अभ्यास करीशुं आभार।